नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मनीषा की मां 20 लाख रुपए की दलाली की है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मनीषा की मां ने 20 लाख रुपए के लिए अपनी बेटी को मुसलमान लड़के के साथ विदा कर दिया। आपको क्या लगता है वो भी हम बताएंगे, लोगों का क्या मानना है और खबर में क्या पाया गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम सिर्फ काम की खबरें मिलती रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या मनीषा की मां 20 लाख रुपए की दलाली करके अपनी बेटी को मुसलमान लड़के के साथ विदा कर सकती है। दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं है जो ऐसा काम कर सकती है, कोई ऐसे संत पैसों के लिए कर सकता है, लेकिन ऐसा दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है 20 लाख रुपए की दलाली करके अपनी बेटी को किसी के साथ ऐसे विदा कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो उनके माता पिता ये गुहार नहीं लगाते कि हमारी बेटी ने लव जिहाद किया है। दोस्तों, अगर उसकी मां ने 20 लाख रुपए की दलाली की होती तो उनके मनीषा के जो माता पिता है, दादा है, वो अगर गुहार नहीं लगाते कि भाई हमारी बेटी ने लव जिहाद किया है अगर उसकी मां ने ऐसा किया होता तो। दोस्तों, वही एक कमेंट भी आया हमारे पास, तो उस कमेंट की ओर लेकर बढ़ते हैं आपको। उन्होंने क्या लिखा है, शैलेंद्र सिंह एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है कि पहले मुसलमान के साथ बिजनेस किया और घर में मुसलमान को घुसाया, अब मुसलमान उसकी लड़की लेकर भाग गया तो कहता है लव जिहाद। शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि पहले उसने मुसलमान के साथ जब बिजनेस किया, बिजनेस तक तो सब ठीक होते हैं, क्यों, बिजनेस कोई भी व्यक्ति साथ करता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, एक दूसरे मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि घर में मुसलमान को घुसाया, यहाँ थोड़ा कुछ अटपटा लगता है, अब मुसलमान उसकी लड़की लेकर भाग गया तो कहता है लव जिहाद। लव जिहाद, अगर उसने ऐसा थोड़ी सोचा कि घर में आकर वो अपनी ही लड़की को इस तरह से ले जाएगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है 20 लाख रुपए की दलाली को लेकर, आप भी अपने कॉमेंट बॉक्स के जरिए राय दे सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि दुनिया की कोई भी ऐसी माँ 20 लाख रुपए की दलाली के लिए ऐसा काम नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करते मनीषा के पिता माता जो भी है वो गुहार नहीं लगाते कि हमारी बेटी ने लव जिहाद किया है, अगर वो ऐसा करते तो वो ऐसे गुहार नहीं लगाते। दोस्तों, ये थी लेटेस्ट खबर, और ऐसी लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ। फिर से नई खबरों के साथ अपडेट होते हैं।